Hello friends, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today we will learn the topic Debye-Huckel theory. So let's start the topic. In 1923, Debye and Huckel, and in 1926, Onsager put forwarded the modern theory of strong electrolyte, in which account is taken of electrostatic force between ions. देखिए 1923 में डिबाई और हकल ने और उसके 3 साल बाद 1926 में ऑनसेगर ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक मॉडर्न थ्योरी दी और इस थ्योरी में उन्होंने मेन जो इम्फेसिस जो फोकस किया वो किया आयनों मीन्स कैटायन और एनायन के बीच जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको मेन बेस बनाया अपनी थ्योरी को डिफाइन करने के लिए. तो जो डिबाई-हकल थ्योरी है वो बेस्ड है आयनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे आयनों की मोबिलिटी में क्या चेंज आता है अट्रैक्शन से ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ठीक, तो इसके हम सबसे पहले पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ डिबाई-हकल थ्योरी. पहला पोस्टुलेट्स है द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशन. देखिए कम्प्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशन का मतलब है इसका मीनिंग है देखिएगा कि आपने NaCl 1 ml लिया है मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि क्वांटिटी आपने कुछ कंफर्म कर ली. इस NaCl को आपने डिसॉल्व कर दिया मान लीजिए 10 ml वाटर में, तब भी ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं. आयनाइज मतलब इसके हमने जितने मोल लिए हैं सारे के सारे कैटायन और एटायन में डिसोसिएट होंगे. अगर आप 100 ml ले रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा दिया आपने, वाटर का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तब भी ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा. और अगर आप 1 लीटर पानी में घोल रहे हैं और बढ़ा दिया, डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है देखिएगा, तो तब भी ये क्या हो रहा है कम्प्लीटली आयोनाइज. तो देखिएगा ये पॉइंट कहता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको चाहे किसी भी डाइल्यूशन में 10 ml में, 100 ml में, 1 लीटर या इससे ज़्यादा डाइल्यूट भी आप करना चाह रहे हैं, किसी भी केस में चाहे आप डाइल्यूशन कितना ही भी करें ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा. इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग एल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होना चाहिए. क्यों? देखिए इसलिए क्योंकि एल्फा होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी टोटल आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और ये हो जाता है टोटल मॉलिक्यूल जो कि अनआयोनाइज्ड मतलब बिफोर आयोनाइजेशन टोटल मॉलिक्यूल्स. तो हमें पता है मान लीजिए हमने 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो मान लीजिए टोटल 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे और 10 में से 10 सारे के सारे आयोनाइज हो गए क्योंकि हम ये कह रहा है ना कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है. तो 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 10 में से 10 के 10 आयोनाइज हो गए, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1. अगर आप 20 मोल ले रहे हैं, 20 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो 20 के 20 क्योंकि कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो 20 के 20 आयोनाइज हो जाएंगे तो आ जाएगा 1. तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड और डाइल्यूशन का मतलब है कि ये जो है कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा जिसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 1 आना चाहिए.
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन आयंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गवर्न्स बाय कूलम्स लॉ। ये कह रहा है कि जो आयंस हैं कैटायन और एनायन के बीच, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपोजिट आयन के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो वो जो अट्रैक्शन होता है वो कूलम्स लॉ को फॉलो करता है। तो कूलम्स लॉ कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कहता है कि जो आयन होते हैं कैटायन और एनायन के बीच, इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है देखिएगा, चार्ज ये Q1 और Q2 चार्ज, मान लीजिए दो आयन है कैटायन और एनायन, इन पर चार्ज जितना ज़्यादा, वन पॉजिटिव है वन निगेटिव है तो अट्रैक्शन कम, टू पॉजिटिव टू निगेटिव अट्रैक्शन और ज़्यादा, थ्री पॉजिटिव थ्री निगेटिव अट्रैक्शन और ज़्यादा, मीन्स क्यों होते हैं चार्ज, चार्ज जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा कैटायन और एनायन, देखिए दो कैटायन है एक पॉजिटिव है निगेटिव, उनके बीच हमें पता है अट्रैक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये ले लिया कि दो आयन ऐसे रखे हुए हैं नज़दीक हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अब मैं थोड़ा दूर ले गई अट्रैक्शन और कम, दूर ले गई और अट्रैक्शन कम, तो हम ये सोच सकते हैं जैसे दो झगड़ालू हैं बच्चे, वो नज़दीक हैं तो क्या होगा, ज़्यादा झगड़ा होगा, दूर ले गए तो कम होगा और दूर ले गए तो कम होगा। तो यही है अट्रैक्शन जो होता है, दो जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन हैं, अपोजिटली चार्ज्ड आयन जितने एक दूसरे के नज़दीक हैं अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, और एक दूसरे से दूर है तो अट्रैक्शन कम। तो ये है डिस्टेंस, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आर, मतलब डिस्टेंस आयनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम। तो ये है कूलम्स लॉ, फोर्स इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों आयनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन इन स्फेरिकल मैनर, दिस स्फेरिकल हेज ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड आयनिक एटमोसफियर। इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि हर एक आयन, जैसे कैटायन है वो अपोजिटली चार्ज, कैटायन का अपोजिट चार्ज क्या होता है, एनायन द्वारा सराउंड रहता है, और ऐसे ही एनायन जो होता है निगेटिव चार्ज वो सराउंड रहता है पॉजिटिवली चार्ज। जैसे कि देखिएगा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है सी, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये चारों ओर से निगेटिव आयन द्वारा सराउंड रहेगा, सराउंडेड बाई निगेटिव आयन्स। ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज आयन, सॉरी निगेटिव चार्ज आयन चारों ओर से सराउंड रहेगा पॉजिटिवली चार्ज आयन से, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये, ठीक। तो ये जो आपको स्फेरिकल हेज दिखाई दे रही है, स्फेरिकल हेज, जब एक आयन अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड रहता है तो ये जो स्फेरिकल हेज बनती है, इस स्फेरिकल शेप को हम कहते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर, आयनिक एटमॉस्फेयर। सी नेक्स्ट पॉइंट है द डिक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन of electrolyte is due to fall in mobility of ions due to greater inter-ionic effect। इसका मतलब है कि जो equivalent concentration बढ़ती जाता है किसी कोई electrolyte है, अगर electrolyte की हम concentration बढ़ाते जाएं तो equivalent conductance घट जाती है। इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस घटने का मेन रीज़न है कि कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण जो आयन्स होते हैं अपोजिटली चार्ज आयन वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आने की वजह से उनकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इस वजह से और मोबिलिटी घट जाती है। और मोबिलिटी घटने का मेन रीज़न है कि आयन जो होते हैं अपोजिटली चार्ज आयन नज़दीक आ जाते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन होता है, तो क्या होता है मोबिलिटी घटेगी, और मोबिलिटी घटने की वजह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस घट जाती है। जैसे कि देखिएगा, देखिए ये दो बीकर हैं, एक बीकर में Na पॉजिटिव देखिएगा, जैसे कि ये है
इसमें आयन्स हमने दो कैटायन दो एनायन लिए हैं, मतलब कंसेंट्रेशन कम है, तो कंसेंट्रेशन कम है तो आयन्स के पास स्पेस ज़्यादा है, जैसे एक कमरे है, एक कमरे में दो कैटायन और दो एनायन है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस फ्री है, तो वो फ्रीली मूव करेंगे, अट्रैक्शन कम होगा, दूर दूर भी जा सकते हैं, तो अट्रैक्शन कम होगा तो फ्रीली मूव करेंगे, तो उनका मोबाइल नेचर ज़्यादा होगा और मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टेंस भी ज़्यादा होती है, जैसा कि हमने बताया था। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, जैसे एक कमरे हैं, एक कमरे में चार कैटायन चार एनायन, यहाँ कितने थे, दो कैटायन दो एनायन कम थे, यहाँ ज़्यादा हो गए, चार कैटायन चार एनायन, तो जब ये मूव करेंगे तो मूव करने में अपोजिट चार्ज आयन अगर एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होने की वजह से वो आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये फ्रीली मोबाइल मतलब मूव नहीं कर पाएंगे। फ्रीली मूव मतलब आपको पता है हम जब कैथोड एनोड लगाते हैं तो जो ये आयन्स होते हैं अपोजिट चार्ज की ओर को मूव करते हैं, लेकिन ये अपोजिट चार्ज की ओर अपोजिट पोल की ओर को जैसे ही जाने लगेंगे तो इनमें जो अपोजिट चार्ज के जो आयन है इनको अपनी ओर को अट्रैक्ट करेंगे, तो कैटायन एनायन के बीच अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, और मूव नहीं करेंगे तो इनका मोबाइल नेचर कम हो जाएगा, और मोबाइल नेचर कम होने की वजह से कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रीजन है कि कंसंट्रेशन ज्यादा तो मोबाइल नेचर क्या हो जाएगा, कम, और मोबाइल नेचर कम होने की वजह से कंडक्टेंस भी घट जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन कम तो मोबाइल नेचर ज़्यादा मतलब तेज़ी से मूव करेंगे, और तेज़ी से मूव करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द फोर्स एक्ट ऑन मोबाइल आयन्स। देखिए जो आयन जो मूव कर रहे हैं, अभी जो मैंने बताया कोई सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें कैटायन एनायन पाए जाते हैं, तो एनायन जो कैटायन और एनायन है मोबाइल कैटायन एनायन, उन पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स दो टाइप का होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब आपने कैथोड और एनोड लगाया है, तो कैथोड एनोड लगाने पर ये क्या हो गया, अपोजिट पोल की ओर को मूव कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जो कैथोड और एनोड है अपनी ओर को खींच रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसके अलावा दूसरा होता है विस्कोसिटी ड्रैग। विस्कोसिटी ड्रैग का मतलब है, हम जानते हैं कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, देखिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए NaCl, Cl निगेटिव आयन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर में डिजोल्व किया, तो वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर क्या करता है, इसको चारों ओर से सराउंड कर लेगा, हाइड्रेशन एनर्जी है ना, ये जो वाटर है इसको चारों ओर से आयन्स को सराउंड कर लेता है, तो इसी से विस्कोसिटी ड्रैग जो है एक फोर्स उत्पन्न होता है। क्या होता है, जैसे कैटायन है, कैटायन को चारों ओर से क्या करते हैं, एनायन कैटायन को चारों ओर से ये जो सॉल्वेंट है चारों ओर से घिरे रहते हैं, वैसे एनायन भी, एनायन को भी ये जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे सॉल्वेंट, ये चारों ओर से घिरे रहेगा, ये खाली एक सैंपल है, देख लीजिए कैसे बना है, ठीक है, तो ईच एनायन इज सराउंडेड बाय, आल्सो सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट। अब देखिएगा ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये कैटायन जैसे ही किसी इलेक्ट्रोड को जाने की ओर को कोशिश करेगा, तो ये कैटायन जैसे ही किसी इलेक्ट्रोड कैथोड या एनोड की ओर को जाने की, जैसे पॉजिटिव आयन है तो ये निगेटिव प्लेट की ओर को जाने की कोशिश करेगा, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसको बैक मतलब पीछे की ओर को खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं अपोजिट पोल, मीन्स पॉजिटिव ये जा रहे हैं निगेटिव प्लेट की ओर, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये कहाँ की ओर को जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर को अट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए जो ओ निगेटिव है ये कहाँ की ओर को, मैंने यहाँ पर मान लीजिए लगाया हुआ है कौन सा, ऐसे समझ लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर मैंने लगाया है क्या, निगेटिव प्लेट, ये है निगेटिव प्लेट,
अब क्या होगा, ये कैटायन तो कहाँ की ओर को जाने की कोशिश करेगा, निगेटिव प्लेट की ओर को जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं किसकी ओर को जाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर को, तो ये जा रहे हैं आगे की ओर, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल इसको क्या कर रहे हैं, इधर की ओर को जा रहे हैं, तो ये एन ए के साथ जुड़े हैं तो एन ए को पीछे की ओर को खींचते हैं, तो इसी को कहते हैं विस्कोसिटी ड्रैग। मतलब ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस कैटायन या एनायन को जो अपोजिट पोल की ओर को खींच रहे हैं, अपोजिट साइड में खींच रहे हैं, इसी को कहते हैं विस्कोसिटी ड्रैग। तो देखिए इसकी वजह से ये मोबाइल आयन का रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, देखिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये जो कैटायन है इसमें जो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट लगाई है, तो नेगेटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो 100 कुलाम है, मतलब इस कैटायन को ये जो प्लेट है 100 कुलाम से अपनी ओर को खींच रही है, ठीक, एक फोर्स ये लग रहा है, ये इसके कारण ये इधर की ओर को जा रहा है। इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल इसको पीछे, मतलब विस्कोसिटी ड्रैग लग रहा है, पीछे की ओर को खींच रहे हैं, और वो किस पावर से खींच रहे हैं, 60 कूलम से इस एन ए पॉजिटिव को पीछे खींच रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एन ए पॉजिटिव को 100 कूलम से आगे की ओर को खींचा जा रहा है और 60 कूलम से ही वो वाटर के मॉलिक्यूल पीछे की ओर को खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इसमें, 100 को ये आगे की खोज ईर को ओर को खींच रहा है और 60 कूलम से पीछे की ओर को खींच रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, आगे कितना लग रहा है 100 कूलम और पीछे की ओर को फोर्स लग रहा है 60 कूलम, तो क्या है नेट फोर्स 40, तो ये जो कैटायन है इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 40 कूलम का। नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्पाइट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन एलवी इज मच लेस देन लैम्डा इनफाइनाइट। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, हमें पता है जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालते हैं, ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और हम जानते हैं, मैंने आपसे पहले पॉइंट में बताया था कि ये कहता है जो ये थ्योरी बोलती है वो कहती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। अगर ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं तो इसका मतलब है एल वी और जब एल लेमडा, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और गिवन डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू जब बराबर होगी तब एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें एल्फा की वैल्यू 1 नहीं आ रही है, इसमें क्या हो रहा है लेमडा इनफाइनाइट पे जो कंडक्टेंस होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बजाय लेमडा वी की। मतलब गिवन डाइल्यूशन, मान लीजिए हम 1 ml पर इसको किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें कंडक्टेंस चेक करेंगे और उसको 100 ml, मान लीजिए 1 liter वाटर डाल के 1 liter डाइल्यूट करके उसकी कंडक्टेंस देख रहे हैं, तो 1 liter पर जो है डाइल्यूशन ज़्यादा करने पर कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा और अगर डाइल्यूशन कम कर रहे हैं तो कंडक्टेंस कम। तो रूल ये कहता है इसके अकॉर्डिंग कि अगर ये जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि अल्फा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखा गया है कि लैम्डा वी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है और लैम्डा इन्फाइनाइट की ज़्यादा, इसकी वजह से अल्फा की वैल्यू 1 नहीं आएगी इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, इस वजह से अल्फा की वैल्यू 1 नहीं आती, क्योंकि अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता सभी डाइल्यूशन पे तो अल्फा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, लेकिन अल्फा की वैल्यू 1 नहीं आ रही है, तो ये ऑलमोस्ट मतलब कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेशियो ऑफ लेमडा वी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट डज नॉट गिव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसी का है कि जो हमने अभी मैंने बताया था लेमडा वी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट की जो वैल्यू है ये क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग 1 आनी चाहिए, लेकिन ये क्या होता है 1 नहीं आता है, तो ये क्या होगा रेशियो, ये भी एक क्या होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। द लो वैल्यू ऑफ लेमडा वी इज ड्यू टू 2 मेन फैक्टर। देखिए जो लेमडा वी की वैल्यू लेमडा इनफाइनाइट से दोनों की वैल्यू आनी चाहिए थी इक्वल, लेकिन लेमडा वी की वैल्यू कम आ रही है, तो कम आने का 2 मेन रीज़न होता है लेमडा वी का। अभी मैंने बताया थी मोबिलिटी कम होने की वजह से लेमडा वी का मान कम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोबिलिटी कम क्यों होती है, उसके 2 रीज़न है। देखिए पहला है रिलैक्सेशन इफेक्ट। Consider an anion is surrounded by cation. In the absence of applied field, the ionic atmosphere is symmetrically situated. When
electric field is applied, then negatively charged ion, anion, moves it towards anode and leaving behind the ionic atmosphere of cation. As anion moves, a new ionic atmosphere is under formation, but new ionic atmosphere is not formed at the same rate as the old ionic atmosphere decay. A definite time required for new ionic atmosphere to build up while old ionic atmosphere is decaying. This lag of time is known as relaxation time. देखिएगा अगर हम इसकी बात करें तो ये है, देखिए ये जो कंसीडर एक एनायन कंसीडर करते हैं, चारों ओर से कैटायन से सराउंडेड है, इसको कहते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट मतलब कैथोड एनोड नहीं लगाया है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो ये सिमेट्रिकली सिचुएटेड रहेगा, एनायन चारों ओर से कैटायन से सराउंड रहेगा, ऐसे ही कैटायन चारों ओर से एनायन से सराउंड रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर आपको पता है कि जो आयन से अपोजिट पोल की ओर को मूव करते हैं, क्योंकि इन पॉजिटिव से ज़्यादा फोर्स से इन्हें कौन खींचेगा, देखिए ये जो नेगेटिव आयन है ये कहाँ की ओर को अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की ओर को। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव की यहाँ भी है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इनसे ज़्यादा पावरफुल होता है ये पॉजिटिव प्लेट, तो ये पॉजिटिव प्लेट अपनी ओर को ज़्यादा अट्रैक्ट होकर रही है। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक कोई गरीब है, यहाँ इसको ये दे रहे हैं 10 रुपये और यहाँ इसको मिल रहे हैं 100 रुपये, तो कहाँ की ओर को जाएगा, जहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है आगे की ओर को। तो ये क्या करेगा, एनायन क्या करता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो एनायन जो होता है मोर पावरफुल पॉजिटिव प्लेट की ओर को मूव करता है, ये आगे की ओर को मूव करता है, जिसके कारण ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर था ये आयनिक एटमॉस्फेयर ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही ये एनायन आगे की ओर को मूव करता है तो आयनिक एटमॉस्फेयर ब्रेक हो गया, तो आयनिक एटमॉस्फेयर के ब्रेक होने की ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर ब्रेक हुआ इसके कारण ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, इसलिए इस इफेक्ट को एसिमेट्रिकल इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखिएगा जैसे ही एनायन आगे की ओर को मूव करेगा तो आयनिक एटमॉस्फेयर टूट चुका है, तो अब क्या करेगा, उसी समय पे तुरंत दूसरा एनायन इसके बीच में आएगा और एक न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर फिर से पहले की तरह तैयार हो जाएगा। लेकिन देखिए जिस स्पीड से टूट रहा है, मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तेजी से टूटा और आगे ओर की ओर को मूव कर गया, और उतनी ही देर में कुछ देर बाद थोड़ी देर में क्या होता है, एक दूसरा एनायन आएगा और उसके बीच में यहाँ पर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से एक नया आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाएगा। तो ये कह रहा है, ये कहता है कि जितनी स्पीड से ये क्या होगा, पुराना आयनिक एटमॉस्फेयर ब्रेक हुआ उसकी स्पीड क्या होता है, उससे कम स्पीड रहती है, जो नया वाला आयनिक एटमॉस्फेयर बनता है उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, तो नया आयनिक एटमॉस्फेयर के बनने में ज़्यादा समय लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और देखिएगा द मूविंग निगेटिव आयन इज आयन सो ड्रैग्ड बैक बाई अपोजिटली चार्ज या कैटायन ड्यू टू विच वेलोसिटी ऑफ मूविंग आयन क्रीजेस, दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन इफेक्ट या एसिमेट्रिकल इफेक्ट। देखिए जब एनायन आगे की ओर को मूव करता है, तो एनायन जब ये पॉजिटिव प्लेट की ओर को मूव करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फोर्स से ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर पीछे छूट गया है ये भी क्या कर रहा है, इस आयन को पीछे की ओर को खींच रहा है, जिसकी वजह से मान लीजिए हम बहुत स्पीड से जा रहे थे, 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन इसको क्या हो रहा है, पीछे की ओर को हम खींच रहे हैं हल्का सा। तो जब इस आयन को अपोजिटली चार्ज आयन पीछे की ओर को हल्का सा खींचेंगे तो इसके आगे जाने की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, और इसी वजह से आयनों की मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लैम्डा वी का मान कम आता है, और कमाने की वजह से अल्फा की वैल्यू 1 नहीं आती। तो एक रीज़न ये है कि आयनों को अपोजिटली चार्ज आयन खींचते हैं, जिसकी वजह से इसके आगे जाने की स्पीड या मोबिलिटी कम हो जाती है, और इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट। और आयनिक एटमॉस्फेयर अनसिमेट्रिकल हो जाता है एनायन के निकलने के बाद, तो इसको बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल इफेक्ट भी कहते हैं। और जो नया आयनिक, ये पुराना आयनिक एटमॉस्फेयर टूटा और उसके बाद नया आयनिक एटमॉस्फेयर बन गया, तो नए आयनिक एटमॉस्फेयर के बनने में जितना समय लगता है वो हो जाता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ये तो पहला फैक्टर था जिसकी वजह से क्या होता है, लैम्डा वी की वैल्यू कम आती है। अब दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच्ड टू मूविंग आयंस एन आयन मूव अपोजिट टू मूविंग आयंस। ठीक है, मूविंग आयंस वो है जो आपको पता है आयनिक एटमॉस्फेयर का, हमें भी हमने बताया था, ये आयनिक एटमॉस्फेयर में जो सेंट्रली लोकेटेड है इसको कह रहे हैं मूविंग आयन। ठीक है,
तो ये कह रहा है द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच टू मूविंग आयन मूव्स अपोजिट टू मूविंग आयन ड्यू टू विच मोबिलिटी ऑफ मूविंग आयन ऑल्सो डिक्रीज है दिस इज नोन है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। देखिए मोबिलिटी डिक्रीज होने का दूसरा रीजन जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। देखिए एक एनायन है, अब ये आयनिक एटमोसफियर से अलग हो चुका है। अब देखिए जब आयनिक एटमॉस्फियर ने तो जब हमने ये सॉल्ट को घोला था तो पानी या किसी सॉल्वेंट में घोला था, तो जब इसे घोलते हैं तो हमने पता है हाइड्रेशन एनर्जी आपने सुना होगा, तो हाइड्रेटिंग नेचर की वजह से इस अपोजिट जो ये आयन से उनको अपोजिटली चार्ज ये जो सॉल्वेंट है चारों ओर से घेर लेते हैं। जैसे एन आयन को एच टू ओ ने घेर लिया एच पॉजिटिव ने चारों ओर से। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो आपको पता है ये एन आयन मूव कर रहा है आगे की ओर को, एनायन मूव कर रहा है पॉजिटिव प्लेट की ओर को, और इसमें अटैच हैं एच पॉजिटिव आयन। तो ये जो एच पॉजिटिव आयन होते हैं ये कहाँ की ओर को जाना चाहेंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो निगेटिव की ओर को मूव करते हैं। तो वो क्या रहे, देखिए सी एल निगेटिव आगे की ओर को मूव कर रहा है और सी एल निगेटिव में जो और अदर जुड़े हैं वो कहाँ की ओर को मूव कर रहे हैं, निगेटिव की ओर को, और ये निगेटिव आयन पॉजिटिव एक आगे की ओर को जा रहा है और बाकी उसमें जो अटैच्ड हैं वो इसको क्या कर रहे हैं पीछे की ओर को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इसके आगे जाने वाली वेलोसिटी जितनी स्पीड से वेलोसिटी से आगे जा रहा था उसकी भी स्पीड पहले की तुलना में कम हो जाएगी, क्योंकि एक प्रकार से ऐसे कंसिडर कीजिए इसमें कुछ भी अटैच नहीं है सीधे स्पीड से आगे जा रहे हैं तो तेजी से जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जोड़ दिए सॉल्वेंट के जो इसको क्या करें अपोजिट मतलब पीछे की ओर को खींच रहे हैं अपोजिट और को खींच रहे हैं, तो इसकी वजह से आगे जाने की स्पीड इसकी कम हो जाती है और मोबिलिटी घट जाती है, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट का रीज़न है जो ये जो एनायन है उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं ये इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक, एट लास्ट डिबाई हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन दी गई है लेमडा वी इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट माइनस 82.4 अपॉन रूट डी टी इंटू ईटा प्लस ये इसके ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर है ईटा प्लस 8.14 इंटू 10^5 अपॉन रूट क्यूब रूट dt। देखिएगा ये 8.14 की वैल्यू आगे को है तो इसको 8.24 ही मान लिया जाता है इंटू लेमडा इन्फाइनाइट और ब्रैकेट के बाहर है रूट सी। तो देखिए ये जो वैल्यू है 82.4 अपॉन रूट dt इंटू ईटा, ये एक और ए एक कांस्टेंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो कि एसिमेट्रिकल इफेक्ट को शो करता है, और 8.14 इंटू 10^5 अपॉन क्यूब रूट dt ये कांस्टेंट बी को रिप्रेजेंट करता है जो कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के लिए दिया जाता है कांस्टेंट। ठीक, तो शॉर्ट में आप इसे ये लिख सकते हैं और सी होता है स्ट्रेंथ कंसेंट्रेशन, और देखिएगा डी होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, और ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और लैम्डा इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस, और लैम्डा वी होता है गिवन डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस, और ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये हमारा आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट फर्स्ट होती है वो कंप्लीट कर लिया है। स्टार्टिंग से हमने ये सारे टॉपिक पढ़े थे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड की फर्स्ट टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई अदर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।